उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित समुदायों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी सूबे की सत्ता में 4 बार विराजमान हुई है और इसी के साथ उसने राष्ट्र पार्टी होने का खिताब भी अपने नाम किया है। लेकिन 2012 के बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। 4.25 साल पहले यूपी में 19 सीटें जीतने वाली बसपा की मौजूदा समय में हालत अनुप्रिया पटेल के अपना दल और कांग्रेस जैसी हो गई है। मायावती ने अपने खोए हुए सियासी जनाधार को दोबारा वापस पाने के लिए 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए, लेकिन फिर भी पार्टी को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। विधायकों की संख्या 2 अंकों से घटकर 1 में आ गई है और नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बरकरार चल रहा है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच बसपा का राजनीतिक कुनबा बिखरता जा रहा है। बसपा से निलंबित 11 विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए लालजी वर्मा के नेतृत्व में एक अलग दल बनाने का फैसला किया है, तो वहीं 5 बागी विधायकों ने मंगलवार को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बसपा के ये बागी विधायक जल्दी अपना गुट बनाकर सपा का दामन थाम सकते हैं। विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच बसपा संस्थापक काशीराम के समय से पार्टी का झंडा उठाने और संघर्ष करने वाले पार्टी के पिछड़ा चेहरा पूर्व अध्यक्ष रामाचल राजभर और लालजी वर्मा को मायावती ने पिछले दिनों पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि उन्हें अब न तो पार्टी का टिकट मिलेगा और न ही उन्हें किसी पार्टी का कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे में बसपा से निष्कासित दोनों नेताओं ने अब अपना सियासी भविष्य तलाशना शुरू कर दिया है और इसी के साथ बसपा के लगातार ग्राफ को गिरते हुए देख मायावती इन दिनों काफी चिंतित नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सकती है। हालांकि बीजेपी पार्टी नहीं चाहती है कि वो इस बार बीएसपी से गठबंधन करे, लेकिन मायावती चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर दे कि वो गठबंधन कर ले तो मायावती गठबंधन करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगी। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच अभी कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही मायावती चाहेंगी कि वो 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव मैदान में उतरे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।